बात है, नजर ना लग जाए हमारे भाई को, आप लोग नजर मत लगा देना, ठीक है ना। दिल थाम के बैठी है जरा, अब आने वाली है ड्रेस। Hi guys, welcome back to my channel. एक्चुअली मैं ना खुशी के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बताया कि राजस्थान से कन्नू श्याम की ड्रेस आ गई है जन्माष्टमी के लिए, उन्होंने ऑर्डर करी थी राजस्थान से। तो मैंने सोचा है बहुत दिनों से कन्नू श्याम से भी नहीं मिली, उनसे भी मिल लेती हूँ और उनकी ड्रेस देख लेते हैं कि कैसी ड्रेस आई है जन्माष्टमी के लिए हमारे भोले बाबा जी। तो उसका घर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस होगी 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। मैंने कहा इस मौके को क्यों खोया जाए, अब की बार हम भी जन्माष्टमी कन्नू श्याम के साथ मनाएंगे और माधव के साथ भी। तो आप लोग बताओ कि आप लोग अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाते हो। ये है मेरा नाइट स्पॉट, यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ नाइट में पार्क के अराउंड। इस पार्क में मंदिर है, इसके अंदर कान्हा जी, भोले बाबा, हनुमान जी और माता जी, इसके अंदर सभी देवी देवता हैं। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये रही इसकी कार, ये रहा उसका घर। वो ऊपर रहती है तो मैं जा रही हूँ। वैसे मैंने उससे बोला था कि मैं आऊँगी, बट उसे अभी नहीं पता कि मैं इस टाइम आ रही हूँ। क्या कर रही मुझे लगता है वो सो गई है, मेरा सरप्राइज सो गया सेव। मैं उसे कर लेती हूँ कॉल। बंदी टीवी देखने से लग रही है, उसको वो सी नहीं है कि मैं गेट बजा रही हूँ कब से। पूछ रही है आ गई बहन जी, मैं आराम से आते हैं मौसी जी। आ जाओ खोलो आप, मुझे खुशी आई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं ले रही, फांसी कह रही हूँ गंदी हो रही है, ऐसे नहीं लेना है। तू भी ऐसी हो रही है। मैं गेट बजा रही थी, पता है कब से। चल ठीक है, हम आए हैं। वैसे भी मैं तुमसे और मौसी से मिलने आई नहीं हूँ, मैं कन्नू श्याम से मिलने के लिए आई हूँ। तो हम उनको दिखाएंगे, हम तुम्हें नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे कन्नू श्याम, ये है खुशी के भाई दोनों और मेरे भी। वो क्लिप में काट दूंगी। अच्छा पिक्चर देखने तो लग रही थी, तभी गेट की आवाज नहीं आई। हाँ मैं बहुत तेज कट 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 आया, मैंने मैंने कहा आएगी आएगी, उनको सरप्राइज दूंगी मैं उसे। हाँ कर दो टीम कर दो, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कन्नू श्याम की ड्रेस, उससे पहले हम लोग थोड़ा बैठ लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो गाइस चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कन्नू, ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, और ये है हमारे श्याम, ये हैं इनसे छोटे। मोस्टली क्या है कि हम लोग इनको सेम सेम ड्रेसेस पहनाते हैं, या तो कलर सेम होता है, टी शर्ट पहनी है तो रेड रेड, मोस्टली सेम ही ड्रेस पहनते हैं। और आपको तो पता है कान्हा जी कितने फेमस है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, और वैसे हमारे कन्नू श्याम भी हमसे भी ज्यादा फेमस है। इनके इंस्टाग्राम पे 20K फॉलोवर्स हैं। सही है भाई, सही है कान्हा जी, सारी फैन फॉलोइंग लेके जा रहे हैं, हमें तो कुछ ही नहीं दे रहे हैं।
हमसे भी ज्यादा फेमस है। तो इनकी ड्रेस भी कहाँ से मंगाई है पता है? राजस्थान से ड्रेस आई है इनकी, इधर उधर से भी ड्रेस मिली है, राजस्थान से ड्रेस मंगाई गई है। तो चलिए अब मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है ड्रेस। तो जैसा कि हमने बताया ये है, अरे हमारे कन्नू शाम तक छुप गए हैं। तो ये है उनकी ड्रेस जो कि राजस्थान से आई है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है इसके अंदर। कलर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों कलर सेम पहनते हैं, तो ड्रेसेस का कलर भी सेम ही है। ये है हमारे कन्नू श्याम की बांसुरी जिससे वो गोपियों को लुभाया करते थे या लुभाते हैं अभी भी हम जैसी गोपियों को। तो ये है उनकी बांसुरी, तो इसको हम अंदर रख देते हैं ड्रेस। अब बात करते हैं उनकी मुकुट की। तो ये है कन्नू का मुकुट, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये स्पेशल ऑर्डर देके बनाई गई है गाइस ड्रेस। ये देखो कितना प्यारा मुकुट है, जरा कन्नू शाम को पहना के दिखा देते हैं कैसे लग रहे हैं कन्नू। ओहो क्या बात है, नजर ना लग जाए हमारे भाई को, आप लोग नजर मत लगा देना ठीक है ना। बाकी ड्रेस अभी नहीं, अभी आपको मुकुट पहना के दिखा दिया है, मैं इनको पहना के रख लेती हूँ। बाकी अगर आपको देखना है तो जन्माष्टमी का फुल व्लॉग डलेगा 8 तारीख को, आपको तभी देखने को मिलेगा। अभी हम निकालते हैं छोटे भाई का मुकुट। ये है हमारे श्याम का मुकुट और ये देखिए कितना प्यारा है ना। ये भी हम श्याम को एक बार पहना के देखते हैं कैसे लग रहे हैं हमारे श्याम। ये देखो गाइस आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ अभी कि, और आपने क्या क्या ड्रेसेस मंगाई हैं अपने कान्हा जी के लिए अगर आपके पास हैं, और आप कैसे जन्माष्टमी बनाना चाहते हो, बना रहे हो या, तो बताओ जरा। आप दिल थाम के बैठिए जरा, अब आने वाली है ड्रेस। अभी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कैसी होगी, मुकुट को देख के कुछ आइडिया लग रहा है कैसी ड्रेस होगी? चलो अभी देख ही लेते हैं कैसी ड्रेस आई है। ओहो ये है शाम की ड्रेस, ये है हमारी शाम की कोटी जो कि ऊपर की है, और ये कुछ इस तरीके से इसका बैक है। तो ये हो गई हमारे शाम की ड्रेस। तो गई शाम की ड्रेस आपने देख ली है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कन्नू की ड्रेस कैसे आई है। तो ये है हमारे कन्नू की ड्रेस, बोला था ना कलर सेम ही मिलेगा आपको क्योंकि दोनों भाई सेम कलर की ड्रेसेस पहनते हैं। ये देखो डिजाइन कितना प्यारा है, मतलब दोनों इतने सुंदर लगने वाले हैं ना जन्माष्टमी को। अगर आपको जन्माष्टमी देखना चाहते हैं कैसे लगेंगे, झूला वगैरह भी सजाएंगे हम उनका, तो वो आप जन्माष्टमी वाले व्लॉग में देख सकते हैं। ये है हमारे कन्नू के ऊपर की कोटी, ये इस तरीके से आ जाएगी, ये पीछे से मीडियम सेट दिखाती हूँ आपको इनका सेट कैसा। तो ये है हमारे शाम का सेट, ये है हमारे कन्नू की छोटा सा प्यारा सा, और ये है इनके हाथों के लिए। मैं आपको एक बार पहना के इस वाले हाथ में दिखाते हैं, प्यारा लग रहा है ना, है ना। फुल सिंगार अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो हम तभी कराएंगे, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही थी। ये उनके दूसरे हाथों के लिए है कि हमने ड्रेसेस कैसी मंगाई है, अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जन्माष्टमी पे हमारे कन्नू और श्याम कैसे दिखने वाले हैं, पूरा एकदम कहर ढाने वाले हैं।
तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग जो कि पूरा बेस था कन्नू और शाम की ड्रेस पे जो कि हमने मंगाई है 7 सितंबर जन्माष्टमी के लिए, और जन्माष्टमी वाला ब्लॉग अपलोड होगा 8 सितंबर को। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय बाय, टेक केयर।